वेदर फोरकास्ट ये क्या चालू है रे तुम लोग का हाँ कल बोला था ना तुम लोग ने गर्मी होएगी हमको हो रही है इसमें नया क्या है अगली बार से तुम्हारा नाम चेंज करो वेदर फोरकास्ट मत करो तुम लोग उसको बोलो क्लाइमेट का हाल तो अपन के गले मिलता फिर रोता काय को है रे तंजू सर मैं बचपन से आपका बहुत बड़ा फैन रहा हूं और मैं बड़े होके इसका फैन बन गया मैं छोटी सी चीज एक शेयर करना चाहता हूँ कि डॉक्टर बिकॉज ऑफ बाबा थैंक यू सो मच मेरे मॉम डैड भी आए हुए हैं यहाँ पे अरे या मुझे बहुत खुशी हुई कि आज हमारा बेटा बचपन से जिनके लिए तरस रहा था वो आज का दिन है ये ड्रामा कंपनी ने उसे मिलाया ओरिजिनल संजय दत्त से ही द रोल मॉडल ऑफ हिज लाइफ मैं भी बहुत खुश हूँ कि संकेत को बचपन से चाहते संजू बाबा के सारे पिक्चर्स वो देखते थे मगर वास्तव पिक्चर जो है वो बहुत बार देखता था आपके और इतने बार देखता था मैं डर जाती थी अरे बापरे तू क्या देख रहा है तो बोलता है तो बोल रहा था कि संजू बाबा के पिक्चर में ना हमेशा मैसेज होता है इस पिक्चर में भी एक मैसेज है कि मम्मी की बात कभी टालना नहीं किसी ने तो मतलब बहुत हो गई सीरियस बातें क्या चालू है बहुत बढ़िया है सब कुछ अच्छा शरद भाई ने बाहुबली पिक्चर में आवाज दी है प्रभास की जोरदार तालियां एक मिनट ऐसा करके नहीं चलेगा ओके वी वांट डिलीवरी राइट नाउ एक जो लाइन ट्रेलर में भी है और सब लोगों को बहुत पसंद आती है जब भी आप फिल्म देखते हैं तो जी बाबा
क्या गाना है, वाह। मैं इस गाने में थी नहीं। अरे हाय, कुदरत का निजाम देखो, कभी कभी आदिति में गाने में आदिति नहीं है, भूमि पिक्चर में भूमि पेडनेकर नहीं है, हमारे संजू बाबा के बायोपिक में खुद संजू बाबा नहीं है, रणबीर कपूर कर रहे हैं। बाबा मेरी एक रिक्वेस्ट है, जब रणबीर कपूर की बायोपिक करनी होगी तो मेरा नाम रेकमेंड कीजिए ना। हाय गाइस, हाय बाबा, हाय। संजू सर, आई बीन फॉलोइंग यू इन अ लॉन्ग टाइम एंड मैं आपको देख रहा हूँ, आपका वॉक, आपका स्टाइल, आपका द वे यू टॉक, द वे यू, आई बीन फॉलोइंग यू, आई बीन स्टॉकिंग एक्चुअली, एंड आई बीन ट्राइंग टू डू इट, लाइक आई एम ट्राइंग टू बिकम बाबा। आई विल गिव वन लुक, मैं वॉक करके दिखाऊंगा। द वॉक इज लाइक दिस सर, एज ए That is it. Thank you so much. Thank you. Thank you. चलो ये तो हो गया मेरा टैलेंट। इस गेम में हमने रखे हैं कुछ एक्सपर्ट्स। दूसरे जो एक्सपर्ट है उनको बुलाते हैं, उनका नाम है बहादुरी अशिक्षित। बहादुरी अशिक्षित। तेरा कंधा दुख गया है। ओए जोर से लगा। बहुत जोर। बाद में मसाज कर दूंगी। आई एम द धक धक लेडी। लवली। ये धक धक लेडी नहीं है, धक धक लेडा है। ये वेरी फनी बाबा, वेरी फनी। एक्चुअली यहाँ पे भी लोग मुझे प्यार से बाबा बुलाते हैं, तो यू कैन इग्नोर, अगर ये लोग बाबा बोलेंगे तो मुझे बोल रहे हैं, नो प्रॉब्लम। तो शुरू करते हैं हमारा खेल। पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए, कितने प्रतिशत भारतीय लड़के या मर्द सोशल मीडिया पे अपना लड़की के नाम से अकाउंट बनाते हैं और लड़कों से चैटिंग करते हैं? ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 35%, ऑप्शन सी 54%, ऑप्शन डी मिथुंदा। बताइए। ऑप्शन डी मुझे लगता है। बाबा ने सही जवाब दिया है, जोरदार तालियां हो जाए। बट हम शुरू करते हैं हमारा गेम फिर से। चोली के पीछे क्या है? चोली के पीछे क्या है, ये गाना जो है इस पे आधारित ये सवाल है। कितने प्रतिशत भारतीय ये जानते हैं कि चोली के पीछे गाने का मतलब क्या है? आपके ऑप्शंस ए 10%, बी 35%, सी ओनली संजय दत्त सर नोज इट, एंड ऑप्शन डी मिथुंदा। दादा ऑप्शन सी यार।
ऑप्शन सी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए जो नायक हो तो... ऐसा बीच बीच में मत बोलो। अली भाई को देखो। अली भाई चुपचाप लड़की का गेटअप करके बैठे क्योंकि उनको मालूम है उनको आगे कुक 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 डांस करना है। इधर एनर्जी सेव करिए, उनका मूवमेंट होएगा। ए लो इसका बिचारे का एक कोई सवाल पूछना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं पूछना चाहूंगी कि कितने प्रतिशत भारतीय भूमि फिल्म देखने जाएंगे और ऑप्शन है 100% 100% 100% 100% yeah. 500%। बाबा आप जीत चुके हैं हमारा दिल, आपकी सेवा में हमेशा हाजिर हैं हम। सर आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, ये ना हमेशा ऐसा चल के आता है यूं 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 और कहता मैं संजू हूँ, तो आज मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, क्या आप दोनों प्लीज साथ में चल के आएंगे ताकि दुनिया को पता चल जाए कि असली असली होता है। अगर तो ड्रामा कंपनी में आपकी फिल्में बनती तो कैसी बनती, आइए देखते हैं। तेरे से पूछने का है, मैंने जिंदगी में कभी तेरे से लोन लिया था क्या? नहीं तो? तो तेरी तरफ मेरा इंटरेस्ट बढ़ता क्यों जा रहा है यार? रॉकी, हम शादी कर लेते हैं, मैं आज ही तुम्हारे भाई से तुम्हारा हाथ मांगने तुम्हारे घर आती हूँ। अरे नहीं, मेरी माँ। जब तक मैं अपने बाप का बदला जेडी से नहीं लूंगा मैं शादी नहीं करूंगा। जेडी को मार दो वरना मैं कुंवारी ही मर जाऊंगी। रॉकी जाओ और जी लो अपनी जिंदगी। अब मैं जेडी से बदला लेके रहूं। Oh, 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 oh
मैं अपने बाप का बदला जेडी से लेकर आऊंगा। जेडी अगर अपनी माँ का दूध पिया है तो बाहर निकल। नहीं पिया फिर भी आ गया हूं। जेडी मैं अपने बाप का बदला लेने के लिए इधर आया हूं। कोई बात नहीं बेटा मैं तेरे साथ हूं, बोल क्या करना है। अबे तूने मेरे बाप को मारा है, तेरे से बदला लेने के लिए आया हूं मैं। मैंने मारा है? हाँ। अरे पागल हो गया, मैं मारूंगा? वो तो मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, मुझे मिलने के लिए, मुझे हक करने के लिए आ गए थे और मर गए। हक करके आदमी कैसे मर सकता है? अरे दौड़े दौड़े आए हक करने, तलवार ऐसे थी वो अंदर चली गई, इसमें मेरा क्या कसूर? अरे जेडी बहुत गलत किया तूने, मैं कह रहा हूँ कि मैं अपने बाप का बदला लेने के लिए आया हूँ। नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा, लोग बदला ले जाते हैं बाद में वापस नहीं करते, फिर वापस करते हैं तो इतना सा घिसा हुआ फिर मैं नहा नहीं सकता। अभी फावड़ा होता तेरा मुंह फाड़ देता मैं। कैसी बातें कर रहा है तू? तेरी वजह से मालूम है मेरी माँ जिंदगी और मौत से लड़ रही है। अरे औरतों का काम है लड़ते रहना, लड़ने तो तुम ऑफिस जाओ, कुछ नहीं होता। पागल हो गया। अबे मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा जेडी। अक्सर ऐसा होता है जब किसी को चोट लग जाती ना गहरी, वो शायर बन जाता है। मेरे करण अर्जुन आ गए। अरे क्या बकवास कर रही है, करण अर्जुन नहीं वास्तव चल रही है वास्तव। अरे माँ 30 तोला 30 तोला। बेटा लेकिन ये तो 20 तोला है। नहीं नहीं 20 तोला मैं लाया हूँ, मैं तेरे को बोल रहा 30 तोला, मिलके हो जाएगा 50 तोला। नहीं चाहिए मुझे तेरी पाप की कमाई। अच्छा बाप मेरा कमाता नहीं, बाप की कमाई तेरे को चाहिए नहीं, तू चाहती क्या है? इंजॉय कर। मुझे तुझ जैसे गुंडे से एक पैसा नहीं चाहिए। एक पैसा नहीं चाहिए? ये जो तू झूला झूल रही थी ना, ये भी मेरे पैसे का है। अच्छा मेरा झूला झूलना दिखता है तुझे? जो 9 महीने कोक में रखा था वो दिखाई नहीं देता तुझे? अच्छा तूने 9 महीना कोक में रखा, बाकी हाँ। औरतें पेन ड्राइव में रखती है ना। अच्छा मोहल्ले वालों के कपड़े तक 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 सीसी के मैंने तेरा पेट भरा था, वो दिखाई नहीं दिया तुझे? तो कपड़े फाड़ने के लिए भी तो तू ही भेजती थी मेरे को। बस बस मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती, अगर तुझे इस घर में रहना है तो तुझे तेरे बाप का बदला लेना होगा। क्या? मेरे को एक बात बता, मेरा बाप कैसे मरा? वो तो शर्म से मरे थे। क्या शर्म से? हाँ। What do you mean? डॉक्टर कतरा के पास अपने सर के बालों का इलाज करवा रहे थे, दवाई का उल्टा रिएक्शन हुआ, कोपड़ गंजे हो गए वो। आईब्रोज तो पहले से थे नहीं, लोगों ने इतना मजाक उड़ाया कि शर्म से मर गए। अबे क्या बकवास कर रही तू? वो डॉक्टर खतरा तो बहुत अच्छा डॉक्टर है। नहीं बेटा नहीं। अरे मैं भी अपने बालों का इलाज उससे करवा रहे लाऊं। ये देख माँ मेरे बाल कितने अच्छे। बेटा तू भी गंजा हो रहा है। मतलब डॉक्टर खतरा की दवाइयां काम नहीं कर रही है? नहीं बेटा,
माँ ये दे, मैं तेरी सौगंध खाता हूँ माँ। डॉक्टर कतरा को मैं नहीं छोड़ूंगा। आशीर्वाद। क्या लेकर आए थे और क्या लेके जाओगे? एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा, सिर्फ एक ही आदमी बचेगा, शक्तिशाली कांचा। अबे तेरी वजह से ये देख बाल ही नहीं आए मेरे को। आपको पता है ये कौन है? डॉक्टर खतरा। ये देख एक बाल नहीं उगा, पूरा जुओं का घर उजाड़ दिया तूने। ओहो एक मिनट सर, पहले मुझे बताओ तो सही ये बात है, मेरा एक फ्रेंड है उसका 1 BHK बिल्कुल खाली है ऊपर से। मैं जुओं को वहां शिफ्ट करवा देता हूँ और मलिंगा जैसे उसके बाल हैं, कारपेट एरिया भी पूरा मिलेगा। अबे पता कितना नुकसान हो गया, 70 लाख का खर्चा किया, कोई फायदा ही नहीं हुआ है। सर फायदा हुआ है, आपको पता नहीं, वो 70 लाख का मैंने फ्लैट लिया था इधर मलाड में, वो 1.10 करोड़ का हो गया। कितना फायदा चाहिए आपको? अबे तेरा फायदा नहीं, मेरा फायदा नहीं हुआ, अब तेरे को कांचा नहीं छोड़ेगा। नहीं छोड़ूंगा, सुन लो मेरे बाल बच्चे आपको दुआएं देंगे। अरे बच्चे गए तेल लगाने, मेरे बाल का क्या? मैंने आपको जो दवाइयां वो मलम दी थी, मलम का क्या किया? मलम 3-3 बार लगाया मैंने, बाल नहीं आगे लगाया। हाँ। अरे मलम सर पे थोड़ी लगानी थी, फिर वो तो चूसनी थी। मलम कौन चूसता है बे? कस्टमर। अरे वाह, ये चूसने से वाकई बाल आ गए। अरे ये क्या लेड़ा बनाता है मेरे को? हट, भाग, मेरे को येड़ा बनाता है। नहीं नहीं, येड़ा बनाता है टकले लोगे। सर मेरी बात तो सुनो, अगर आप इतनी जोर से करोगे तो होगा ही ना। अरे खुद की बंजर जमीन है और लोगों को गेहूं उगाने के टिप्स दे रहे लाए तू। सर एक बात कहूं, अगर आप संजू बाबा नहीं बने होते ना तो आपको बताता जितनी जोर जोर से आप मार रहे हो। क्या बोल रहे हो? बंजर जमीन, बंजर जमीन। आज तो मेरे को पूरी लिबर्टी है, बोल। तेरे को नहीं छोड़ूंगा। सर मेरी बात तो सुन लो। कांचा भाई। What's up, buddy? Hey. How are you? अच्छा वो डांस प्रोग्राम के लिए जो तुमने डांसर्स मंगवाए थे ना वो मैं ले आया हूँ। अच्छा लेकिन रुक जा, इसको मारने के बाद हम लोग डांस देखेंगे। अरे खत्म करो। नहीं नहीं कोई फॉर्मेलिटी नहीं, हम देख लेते, बाद में मर जाएंगे क्या होगा। चिकनी चमेली नाचने वाली है, बोली लगाओ साहिबान, बोली लगाओ। 5 करोड़। अबे ये क्या? नहीं कांचा, इसके पास माल है, 5 करोड़।
5 करोड़ 2 ना ना 5 करोड़ 1 वैसे 10 हो जाएंगे 2 करोड़ 5 करोड़ 3 मुबारक हो चिकनी चमेली आपकी हुई बताऊं स्पेशली ये गाने के लिए कैश आई थी क्योंकि वास्तव फिल्म में गाना किया था कश्मीरा के लिए जोरदार तालियां सर वो संजय सर वो सीक्वेंस बहुत कमाल का था जब ये डांस कर रही होती है आप आते हैं ऐसे हवे में गोली चलाते हैं बेहोश हो जाती है सर आपने हवे में क्यों चलाई सीधा मार देते मेरी टेंशन कम थैंक यू जोरदार तालियां मुबारक हो डॉक्टर साहब आपके वजह से सब लोग मजे ले लिए चलो फटाफट 5 करोड़ रुपए निकालो कौन से मैं तो बोली लगाई थी मैंने पैसे देने की बात तो की नहीं मतलब फुकट में तमाशा देख रहा था तू कांचा तू इसको मारता है या मैं मारूं एक काम करते दोनों मिलके मारते नहीं नहीं मैं गोली मारूंगा तू चाकू मार इसको नहीं 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 सर ऐसे मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा मुझे कैसे पता चलेगा मैं गोली से मरा हूं चाकू से मरूंगा थोड़ा एक मैं आपको आइडिया देता हूं ये लीजिए कांचा एक मिनट एक मिनट ऐसे थोड़ी अभी शुरू नहीं किया अभी शुरू नहीं किया अभी कांचा छोड़ कांचा कैसा लगा संजू बहुत बहुत अच्छा लगा बहुत मजा आया एंड मैं इमोशनल भी हो गया और मुझे बहुत खुशी हुई फॉर ऑल द लव एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम एवरीबॉडी हियर एंड फ्रॉम द ऑडियंस थैंक यू सो मच Thank you.